आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो टर्म वन में आपको सिलेबस आ रहा है, हम उस सिलेबस की क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो पहले 8 चैप्टर जो है आपको आ रहे हैं और 15 के आसपास आपके टेंटेटिव जो है वो डेट शीट आई है, तो उस हिसाब से मैंने डिवाइड किए हैं कुछ डेज़, तो उस हिसाब से मैं जो एक सारे सिलेबस की जो 8 चैप्टर हैं उनकी रिवीजन कर रहा हूँ। तो आज हमारा पहला जो टॉपिक है वो मैं ले रहा हूँ सेट, चैप्टर नंबर 1 है। और आप वैसे तो ऑलरेडी ये कर चुके हैं सारा कुछ है, ठीक है, तो साथ साथ में आपने रिवीजन करनी है इसकी। तो सेट, तो व्हाट डू यू मीन बाय सेट? सेट क्या चीज़ है? पढ़ा आपने? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ मैथ क्लास, चले मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ मैथ क्लास, ये आपकी क्लास है, तो इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्लास में हैं, तो हमने अब ऑब्जर्वेशन करनी है। क्या ऑब्जर्वेशन हमारे पास? हाँ जी बताओ, आपकी क्लास में क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? कौन कौन है आपकी क्लास में? आपको पक्के तौर पे पता है कि आपकी जो क्लास है 11th क्लास, उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, और क्या कोई आपको शक शुबा है कि बॉयज़ गर्ल्स जो है वो आप डिफ़ाइन नहीं कर सको? मतलब आप डेफिनेटली जो है आप बता सकते हैं कि फलाना बॉय है फलाना गर्ल, आप ऐसा कह सकते हैं? तो ये पहला, दूसरा क्या है और क्या है? सभी क्या हैं? अलग अलग हैं, सबकी अपनी आइडेंटिटी है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि डिस्टिंक्ट हैं? जब मैंने बॉयज़ एंड गर्ल्स लिखा, आपने कहा कि क्लास में दो तरह के स्टूडेंट हैं, बॉय एंड गर्ल, और डेफिनेटली हर कोई उसको एक ही स्टेटमेंट करेगा। अगर किसी पर्टिकुलर को मैं बोलता है कि क्या वो गर्ल है कि बॉय है, तो आप जो सभी बच्चे जो है सभी बोलेंगे हाँ ये गर्ल है, सभी बच्चे अगर बॉय तो बोलेंगे बॉय, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? वेल डिफाइंड। तो इस स्टेटमेंट को मैं सेट बोल सकता हूँ। ये सेट क्यों है? इन दो रीज़न के कारण, वेल डिफाइन एंड सेकेंड डिस्टिंक्ट। तो सेट क्या चीज़ है? ए सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो 11th क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ मैथ क्लास 11, ये क्या है? एक सेट है, ठीक है। कोई और हम एग्जांपल ले सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जितने नेचुरल नंबर है क्या उनको हम सेट कह सकते हैं? क्या वो वेल डिफाइन है? जो वन है, हर बच्चा वन को वन ही बोलेगा, फाइव को फाइव ही बोलेगा, क्या वो सारे नंबर डिस्टिंक्ट हैं कि एक जैसे हैं? डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं, तो दोनों उसमें ये जो ऑब्जर्वेशन है वो मतलब उसमें क्वालिफाई होती हैं, तो वो उस हमने एन को क्या बोलते हैं? एन को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
या हम आर ले लें सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो इसे हम कहते हैं सेट। ठीक है, नेक्स्ट हम सेट को एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ सेट की, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट ऑफ एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड, क्या ये सेट है? नो, आप बोलते हैं नो, ये सेट नहीं है। अब सेट क्यों नहीं है? क्योंकि सेट को डिफाइन करने के लिए ये हमारे पास दो टर्म्स, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, ये क्वालिफाई करनी चाहिए। क्या इस स्टेटमेंट में क्या ये दोनों टर्म क्वालिफाई कर रही हैं? पहली टर्म वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन किसका है? मोस्ट डेंजरस एनिमल नहीं, मोस्ट डेंजरस का क्या मीनिंग है? सबसे खतरनाक। अब ये बताओ कि खतरनाक कौन है? क्या आप उसकी लिस्ट बना सकते हो? और वो जो लिस्ट है वो सबके लिए मान्य होनी चाहिए। हम जब कहते हैं मोस्ट डेंजरस, हम कहते हैं चीता, शेर, हाथी, सांप, स्नेक, जो कोबरा, ये क्या है? डेंजरस एनिमल है। लेकिन हम चींटी भी बोल सकते हैं, चींटी जो है, जो एंट है, इज आल्सो ए डेंजर एनिमल टू ए एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट की सूंड में चल जाएगी तो वो उसके लिए डेंजर है। तो ये जो मोस्ट डेंजरस टर्म है ये वेल डिफाइन नहीं है, ये नहीं है वेल डिफाइन। एनिमल्स हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, वो डिस्टिंक्ट है। अगर वेल डिफाइन नहीं है तो ये स्टेटमेंट जो है, ये जो हम कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल्स है, नॉट सेट, नॉट सेट, नॉट ए सेट। ठीक है, तो सेट और नॉट सेट में आपको समझ आ गया क्या डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है कि हमने जब इस सेट को, सेकंड है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? पहले बात होगी सेट, फिर हो गया एलिमेंट। अब इस सेट को हमने रिप्रेजेंट भी करना है, तो सेट को क्या नाम देंगे? हर किसी को कोई ना कोई नाम देना है। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर्स। ए से आप डिनोट कर सकते हैं, बी से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल एक्स से करते हैं, कैपिटल वाई से आप डिनोट कर सकते हैं। किसे? सेट को। आप स्मॉल नंबर नहीं यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ मैं एलिमेंट्स की। व्हाट इज एलिमेंट्स? जो सेट है, जैसे मैं एक सेट ले लेता हूँ ए, और इसके एलिमेंट, ये एलिमेंट है जो इसके मेंबर हैं, द मेंबर्स ऑफ ए सेट नोन एज एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 1, 2, 3 जो मैंने लिखे कॉमन डाल के, ये क्या हैं? इस सेट के एलिमेंट्स है, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल नंबर। अब 1, 2, 3 में तो कोई स्मॉल नहीं होता वो, लेकिन अगर आप कोई ऐसे कोई लिखता हूँ सेट बी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कि अब हम इन सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो मेथड हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहले को हम बोलते हैं रोस्टर टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं, या टेबुलर मेथड, या टेबुलर रूल, टेबुलर, ऐसे टेबुलर बोल सकते हैं। पहला रोस्टर या टेबुलर मेथड लिख लो, रूल लिख लो। सेकंड सेट बिल्डर, सेट बिल्डर या रूल मेथड।
ठीक है, रूल मतलब कोई नियम आपने उसमें लिखना है। तो टेबलर रूल क्या, टेबलर क्या है या रोस्टर रूल क्या है, मेथड क्या है कि जैसे मैंने अभी पीछे एक ए सेट लिखा जिसमें एलिमेंट लिखे 1 2 3 4, तो ये जो सेट मैंने लिखा है ये मैंने लिखा रोस्टर फॉर्म या टर्फ फॉर्म। इसमें क्या होता है कि आपने एलिमेंट लिखने हैं और उस एलिमेंट को आपने कॉम में डाल देने हैं, तो इसकी कर्ली ब्रैकेट लगानी है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है दिस इज रोस्टर। अभी इसी को हमने सेट बिल्डर में लिखना है। इसी को क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 है ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो मैं लिख रहा हूँ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, साथ में जो नेचुरल नंबर एन है हम एन ले लेते हैं, एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4, और एन जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन को, क्योंकि कैपिटल एन हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा एक्स, इसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक्स का क्या, एक्स को क्या डिफाइन कर दिया कि एक्स एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो एक्स एक नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जाहिर है कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। अब कहाँ तक जाएंगे, वो कंडीशन लगा दी साथ में कि यहाँ पे जो एन एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पे आप इसे एन ना लिखें, इसे एक्स लिख दें, ठीक है, इसे मैं एक्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एक्स एक नेचुरल नंबर है और जो एक्स है वो 1 से लेकर 4 तक का है, और एक्स किसे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, ठीक है। यहाँ वैसे मैंने लिख भी दिया, अब ना भी लिखें तब भी आप ये तब भी चल पड़ेगा, क्योंकि मैंने लिख दिया है। तो ये देखो दोनों बराबर, दोनों का आंसर सेम है। ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर, और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या है, ऑल एलिमेंट्स आर नॉन, सारे एलिमेंट्स के बारे में आपको पता है, किसी सेट में सारे एलिमेंट्स के बारे में आपको पता है तो उस सेट्स को क्या बोलेंगे, और इसमें उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। एग्जाम्पल देखो, ये एक सेट है ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ बबल्स, बबल्स है ना, तो ए सेट यहाँ पे क्या है, फाइनाइट, क्योंकि सारे एलिमेंट्स आपको पता है। इनफाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि आपको नेचुरल नंबर के सभी नंबर्स के बारे में आपको नहीं पता है, इनफाइनाइट नंबर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट ए एलिमेंट्स होंगे इसमें, और ये होगा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्प्टी सेट। कौन सा सेट, अब एम्प्टी सेट क्या चीज है, कोई भी एलिमेंट आपको ना मिले उस सेट में, आपको कोई भी एलिमेंट ना मिले, अब कैसे, हम मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, द नंबर ऑफ बॉयज इन गर्ल्स स्कूल, एक सेट है, द सेट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन ए गर्ल्स स्कूल, क्या आपको गर्ल्स स्कूल में कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बॉयज हैं मिलेंगे, तो वो क्या सेट है, एम्प्टी सेट है, वहाँ पे आपको वो एलिमेंट मिलने जो जो आप डिफाइन कर रहे हो, तो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे हम बोलेंगे, और इसे हम डिनोट करते हैं, ये क्या बोलते हैं इसे, फाई, क्या बोलते हैं इसे, फाई। तो फाई का मतलब है कि वो सेट जो है वो एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वाइड सेट है, जैसे हम नल सेट बोल सकते हैं बेटा, या वाइड सेट बोल सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंगलटन सेट। कौन सा? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट मिले आपको, जैसे कितने एलिमेंट है सेट में? जीरो है, एक ही है। इसमें कितने हैं? एक ही है, मतलब टू जो एक एलिमेंट है ना, जीरो एक एलिमेंट ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ठीक है जी, समझ आ गया सिंगलटन सेट क्या है, एम्बेडेड सेट क्या है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट क्या होता है कि एक ऑर्डर तो हम उसी का फाइंड कर सकते हैं जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताऊं। तो यहाँ पे ये जो पहला ये सेट ए है, इसका अगर मैंने ऑर्डर फाइंड करना है जिसे हम ऐसे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए, तो ऑर्डर ऑफ ए मीन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, कितने हैं, और इसका क्या हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं? नौ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट से वैसे भी मीनिंग आ रहा है, इक्वल सेट में सेट क्या होंगे? बराबर होंगे। मैं एक सेट ले रहा हूँ ए, इसमें एलिमेंट ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4। एक मैं सेट ले रहा हूँ बी, इसमें एल ले रहा हूँ 2, 3, 1, 4। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपके पास? नंबर वन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले चेक करें दोनों में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। सेकंड देखें, एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम। इसका क्या मीनिंग है कि इसमें वन है, इसमें वन है, इसमें टू है, इसमें थ्री है, इसमें फोर है। सिर्फ ऑर्डर चेंज है, मतलब आगे पीछे लिखे गए हैं। आपके पास दो ऑब्जर्वेशंस आ गई कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, तो इसे हम बोलेंगे और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए इक्वल टू बी। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा वा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, अब इक्विवेलेंट सेट्स में क्या है ये देखो, इसी का हम देखते हैं। यहाँ से हम देख ये ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, और सेकंड ले लेता हूँ 5, 6, 8, 10। क्या ऑब्जर्वेशन है जी? पहले ऑब्जर्वेशन हमने क्या की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करें, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हाँ जी सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स संख्या कितनी है? सेम है, सेम है। सेकंड इसमें एलिमेंट्स आर सेम, इसमें एलिमेंट्स आर, एलिमेंट्स आर नॉट सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ए नॉट इक्वल टू बी। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसे लिख सकते हैं ए ऐसे, तो इसका मतलब कि ए इक्विवेलेंट टू बी बट नॉट इक्वल टू, इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? चलिए तो फिर अब क्वेश्चन कर लेते हैं। एक चीज़ और थोड़ी रह गया, एक जैसे ए कोई सेट है ए बी सी डी, और ए जो है ए, क्या ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए है? ये जो
ए जो है मैं लिखा ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो ए है स्मॉल ए वो ए को बिलोंग कर रहा है, मतलब ए का एक एलिमेंट है। इसे अब हम कैसे लिख सकते हैं, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ए, और इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। और ये आपको भी पता है क्या बोलते हैं इसे, एप्सिलॉन लोअर, लोअर केस ऑफ एप्सिलॉन, मतलब ये साइन ये डिसाइड करता है बिलोंग्स टू। क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, मैं लिख रहा हूँ जी बिलोंग टू ए, क्या जी बिलोंग टू ए है, तो यहाँ पे क्या जाएगा नॉट, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं 1.1 एक्सरसाइज का। वन पॉइंट वन में एक्सरसाइज का जैसे फर्स्ट पार्ट है, पहला क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद जे। तो इसने कहा कि क्या ये सेट आपने बताना कि हैज नहीं है, तो जो जे से स्टार्ट होते हैं तो कौन कौन से है जी, जनवरी, जून, तो क्या ये सेट है या नहीं है, दोनों चीज़ें देखनी है, एक तो ये वेल डिफाइंड है, दूसरा ये डिस्टिंक्ट हैं, तो ये सेट है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे जैसे फोर्थ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो क्या ये सेट है या नहीं है, तो आप काउंट कर सकते हो अपने क्लास में कितने बॉयज हैं, ठीक है। तो वेल डिफाइन है, आपको पता है कि कोई लड़की थोड़ी सिलेक्ट कर लो कि ये बॉय है, तो आप वेल डिफाइन जो है बता सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो 1.1 चैप्टर है उसमें जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है, क्या ये सेट है या नहीं है, आप काउंट कर सकते हो, सभी क्वेश्चन अलग अलग हैं, रिपीट थोड़ी हो रहे हैं कोई, तो ये भी एक है। और नेक्स्ट तो मैंने कर ही दिया, अब सेकेंड क्वेश्चन है बिलोंग्स वाला, तो वो भी मैंने कर दिया। इसने एक सेट लिया हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये कह रहा है कि 5A, बताइए 5 बिलोंग है कि नॉट बिलोंग टू, बिलोंग टू, 8 नो, तो इसी प्रकार आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में से ये क्वेश्चन कर लेता है पहला ही, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा कि A इज इक्वल टू X सच दैट X इज एन इंटीजर, ओके, और साथ में गिवन है -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, तो इसे आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये कौन सी फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं रोस्टर में, तो रोस्टर में आप लिखें, हाँ जी क्या बोल रहा है कि x एक इंटीजर है और x की वैल्यू -3 से लेकर 7 के बीच में है, मतलब -3 इंक्लूड है 7 से लेस है, तो क्या क्या आ जाएंगे आपके पास, -3 क्यों, क्योंकि लेस देन उसने 7 का है, तो 7 से लेस जो इंटीजर है वो 6 है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्थ में कह रहा है कि आपने आपको एक रोस्टर फॉर्म गिवन है, तो रोस्टर फॉर्म को आपने कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर में, तो पहले ले लो 3, 6, 9, 12, तो ये रोस्टर फॉर्म है, हम इसे कन्वर्ट, क्या ये रोस्टर नहीं है, हाँ जी नहीं ये रोस्टर नहीं है, तो इसे हमने चेंज करना है सेट बिल्डर में। अब देखो इसको कैसे कर सकता हूँ, आपने करना है एक्स सच दैट, तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, मैं मान रहा हूँ 3n, देखो ये 3 का मल्टीपल है बेटा, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, तो मैंने 3n लिख दिया, क्या मैं n की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ, देखो
एन ग्रेटर देन इक्वल टू तक फोर तक, तो वन पुट किया यहाँ पे क्या आ गया एन के बाद, एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ये भी डिफाइन कर देते हैं। तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है वन के बाद, टू, टू पुट करो सिक्स, नेक्स्ट कौन सा नेचुरल नंबर है थ्री पुट करो, नेक्स्ट फोर, तो हमने फोर तक लिया, तो क्या ये दोनों सेम चीज़ होगी? तो ये हो गया रोस्टर और ये हो गया सेट वेल्डर फॉर्म, ठीक है। चलिए कोई मुश्किल नहीं, आसान काम है। और नेक्स्ट है कि पांचवा, लिस्ट द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट्स, तो इसमें भी फर्स्ट ही कर देता हूँ। ये देखिए क्या है, ए है देखो, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, क्या है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, आपने सारे लिस्ट बनानी है इनकी, तो क्या आएगा जी बताएं? आपने एक्स लेना है और एक्स की क्या डेफिनेशन है, मतलब एक्स की क्या करेक्टरिस्टिक है कि एक्स ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो बताओ वन बस, ठीक है। इसी प्रकार आप बाकी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम? चलिए तो कुछ क्वेश्चन हम जो हैं वो 1.2 के भी ले लेते हैं। और आपको इसमें जो क्वेश्चन वन मार्क्स के काफ़ी मिलेंगे, ठीक है, और इसलिए सारी चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है, क्योंकि कहीं से भी उसने क्वेश्चन डाल देने हैं, हो सकता है कि वो एक्सरसाइज में ना हो, लेकिन जो टॉपिक है टॉपिक में से कहीं से भी वो चूज कर सकता है, ठीक है। तो हमने ये 1.2 का पहला क्वेश्चन है, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट, नल सेट कौन से हैं? देखो पहला है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू, क्या बोला सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू, बताओ क्या ये नल सेट है? क्या ऐसा कोई एलिमेंट है और नेचुरल नंबर है कोई ऐसा जो टू से डिवाइड होता हो? ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आपको मिलेगा। अगर आपको ऐसा एलिमेंट नहीं मिल सकता तो ये जो सेट है ये कौन सा सेट होगा? नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। इसी प्रकार आप बाकी करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड आउट और इनफाइंड आउट बताना अपनी। तो इसका जो पहला है सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, एक साल में जो मंथ है उनका सेट है, तो आपको नंबर पता है कितने हैं? yes, कितने 12 होते हैं, तो फाइनाइट है, ठीक है। नेक्स्ट है 1, 2, 3 सो ऑन, दैट इज इनफाइनाइट। सिमिलरली थर्ड है जो सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाइसिस, तो आपने सेट ऑफ लाइंस लेना जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो कितनी पैरेलल लाइंस आ जाएंगी इसके, कितनी मर्जी बनाते जाओ, किसने रोका है? तो क्या होंगी ये सेट आपका इनफाइनाइट होगा, ठीक है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इनफाइनाइट, हम काउंट कर ही नहीं सकते एनिमल्स, कितने एनिमल्स हैं, वी कांट काउंट देम। फोर्थ पार्ट है बताना है कि आप ये ए इज इक्वल टू बी है या नहीं है। चलिए आप देखते हैं कि कितने बच्चे बताते हैं। ए सेट है जी ए बी सी डी, और बी में है डी सी बी ए, एक और दो क्वेश्चन ले लेता हूँ, नेक्स्ट एक और ले लेता हूँ, ए 2, 4, 6, 8, 10 और सेकंड है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10, बताना है दोनों को क्या ये इक्वल सेट हैं? देखो ए बी सी डी चार एलिमेंट हैं, चारों और एलिमेंट्स जो हैं वो भी इक्वल हैं,
जो एलिमेंट यहाँ पे है वही इसमें है, सिर्फ आगे पीछे लिखे गया। ए में देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये रोस्टर फॉर्म पहले दी थी और सेकंड दिए सेट बिल्डर फॉर्म। कह रहा है कि एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, इसमें बी में क्या आएंगे, पॉजिटिव होंगे साथ में इवन इंटीजर आएंगे, तो और साथ में वो जो एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। अब इंटीजर देखो ना, ये इंटीजर दिस इज माइनस वन माइनस टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ऐसे चलते जाओ, तो ये इंटीजर सारे जो भी नंबर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं होल नंबर, ये क्या हैं, इंटीजर्स। क्या कह रहा है कि एक तो पॉजिटिव, तो आपने पॉजिटिव इस तरफ जाना है, दूसरा कह रहा है कि वो लेस देन 10 होना चाहिए, तो पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट होंगे, इवन चाहिए साथ में, तो क्या आ गया टू फोर सिक्स। हाँ, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता, सपोज करो, तो फिर हमारा क्या आना था, 8, और ये इक्वल नहीं होना था, ठीक है। तो नेक्स्ट, फ्रॉम द सेट गिवन, बाकी आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। चलो एक और कर देता हूँ, जो क्वेश्चन फिफ्थ है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ। क्या फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, हमने प्रूव करना, क्या करना प्रूव, ए क्या है बेटा 2,3 और बी क्या है बेटा एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस, ठीक है। तो कहता है बताओ कि क्या ये इक्वल सेट हैं, तो फिर ये तो हमें पता है एलिमेंट है, तो इसमें एक्स कौन है जो इसके सॉल्यूशन है, तो हम वो सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं पहले। मतलब एक्स हमारे पास इस सेट के एलिमेंट हैं, पर एक्स आपको कहाँ से मिलेगा इनको सॉल्व करके, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। नाउ एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू, तो क्या मैं एक्स स्क्वेयर, अगर आप, चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, 2x 3x 6 एक्स एक्स प्लस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 2 माइनस, तो देयर फोर बी इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमा माइनस 3। आप बताएं जी, ए और बी क्या इक्वल हैं, क्या ये इक्वल सेट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट आपके इक्वल हैं, इसमें दो एलिमेंट्स हैं बट एलिमेंट्स आर नॉट सेम, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। दूसरा ये है, जब हम इक्वल और इक्विवेलेंट की बात करते हैं, तो जो इक्वल सेट है क्या वो इक्विवेलेंट होगा, होगा कैसे, इक्वल सेट में हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स आर सेम, इक्विवेलेंट सेट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, तो फिर जो इक्वल सेट है क्या वो इक्विवेलेंट सेट नहीं है, है कि नहीं, तो जो इक्विवेलेंट सेट है क्या वो इक्वल सेट है, कैसे, क्योंकि इक्विवेलेंट में तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की इक्विवेलेंट में, और इक्वल में दोनों चाहिए कंडीशन, तो फिर क्या होगा कि जो इक्वल सेट है दे आर दे कैन बी इक्विवेलेंट सेट, या दे आर इक्विवेलेंट सेट, बट या हम ये कहें ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल सेट, ये आपको एक मार्क्स का, वन मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतने ही, कल हम नेक्स्ट जो दो चैप्टर करेंगे, आप थोड़ा पढ़ के आइए उसके बारे में, फिर आगे करेंगे, ठीक है।